प्यारे बच्चों, बायो सेवर्ड के ऊपर जो हमारा टॉपिक नंबर वन है उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के, वो भी हमने ले लिए हैं और सॉल्व कर लिए हैं। हालांकि आपको पता है एग्जांपल भी सॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का नंबर आता है। तो वैसे ही हमने किया, सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करिए। जैसे आपको SL के अंदर डिट्टो दे रखा है, सिमिलर वेज में हम चलते हुए आए हैं और वैसे ही हमने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं जैसे कि SL के अंदर दे रखे। सारे क्वेश्चन SL से पिक कर रहे हैं तो SL के अकॉर्डिंग चलने में ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप लोगों का भी बेनिफिट होगा, उसमें सब कुछ मज़ेदार मिलेगा आपको। देखिएगा हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है जैसा क्वेश्चन में कहे बिल्कुल वैसे ही चलें, इतनी सी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका सटीक आंसर आएगा और ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें फॉर्मूलाज नहीं पता और वो कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई आप लोगों को फॉर्मूले पता लग जाएंगे और पता नहीं चलेगा आपको कब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो फ़ायदा मिलेगा अल्टीमेटली आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन बायो सेवर्ड के ऊपर बेस्ड थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ जाएँ तो यार वीडियो को थम्सअप जरूर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। थम्सअप लाइक एक ही होता, मतलब शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमसे कह रहा है एन एलिमेंट DL वेक्टर। देखो एलिमेंट ये है, दे रखा है इसके अंदर DXi कुछ इस तरह से है, एक्स एक्सिस की तरफ को है, इस प्लेस एट ओरिजिन जैसे कि फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। फिगर 4.6 है, ये फिगर 4.6 है आपसे कह रहा है। तो DL दिखा रखा आपको DX, तो गिवन दैट में लिखेंगे जो DL है वो कुछ DX की तरह है। अब देखो इसमें हमसे कुछ ना कुछ जरूर कहेगा, क्या कहेगा कि DX की वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दोगे। बिल्कुल सही, तो आपके पास DL की वैल्यू 100 को आप 10^-2 कह सकते हो। बिल्कुल सही, तो DL आपके पास 100 है, 1/100 है, मतलब 10^-2 है। तो जो था वो मैंने दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। आगे देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इसके अंदर से करंट पास हो रही है, करंट की डायरेक्शन भी देख लो आप, और करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। तो आपके पास I कितना दे रखा, 2 एम्पियर। पूरा बोर्ड यूज़ करो, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट कहाँ है, ध्यान दो Y एक्सिस में है P पॉइंट, ठीक है, ऑन द Y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो आपको R की वैल्यू दे रखी है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर बताओ, और ये P पॉइंट कहाँ पर है Y एक्सिस। तो ज़रा मुझे बताओ DL, और ये मेरा काम करेगा R का, तो DL और R के बीच में एंगल कितना बनना, 90 डिग्री। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, थीटा मेरे पास कितना बना, 90 डिग्री। आगे आपसे क्या कह रहा है कि DX जो है वो 1 सेंटीमीटर है। गिव ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस, तो फील्ड की डायरेक्शन बताओ। अगर ये नहीं भी कहता तो भी हम निकालते, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो सब कुछ सॉल्व करेंगे। और हालांकि ये क्वेश्चन पूछ चुकी है CBSE, पूछ चुकी है भाई, वो फिर से रिपीट मार सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ये रिपीट मार सकती है। CBSE ने इसको पूछा है और पूछेगी, बार बार पूछेगी, जब तक पूछेगी जब तक कि आपके यार क्यों रही नीट वगैरह में आपके काम में आ जाएंगे। तो काम में तो आपको अल्टीमेटली आने हैं, नीट में आ जाएं, IIT की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आ जाएंगे, वरना आपके सेशनल में बोर्ड में 100% काम, वरना यार नॉलेज तो आपको मिल ही रही है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। हमारे पास क्या है, सॉल्व मैं यहाँ करूँगा, सिंस वी नो दैट, मैं फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। DB इज इक्वल टू क्या होता है, μ0/4πIDL साइन थीटा √R2। यही तो है बायो से, बट बिल्कुल है, DB आपको चाहिए, मैं स्केलर फॉर्मेट में सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना। μ0/4π की वैल्यू कितनी है, 10^-7। I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। DL की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, DL डेल्टा L कह दो या DL कह दो, यहाँ पर डेल्टा की टर्म है तो डेल्टा L 10^-2 दे रखा। साइन थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और नीचे है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो DB इज इक्वल टू कितना आएगा, 10^-7, ये है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो 10^-7 ये है, 10^-2 ये है, तो 10^-10 हो गया, ये 2 बचा यहाँ से, यहाँ से कितना बचा, सॉरी 10^-7 ये है, 10^-2 ये है, तो 10^-9 आ गया, और ये 2 ऐसे बचेगा, तो 2 × 10^-9, ये मैग्नीट्यूड आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड का इन टर्म्स ऑफ Tesla। तो मैग्नीट्यूड तो आपका आ चुका है, बिल्कुल सही आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 × 10^-9 Tesla। लेकिन हमसे इसने डायरेक्शन भी पूछा, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन किससे निकलती है, डायरेक्शन निकलती है DL क्रॉस R से।
तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो चुका, ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो चुका, अब इसमें कुछ नहीं बचा। डीएल कैसे दे रखा था आपको, डीएल जो दे रखा था इन टर्म्स ऑफ वेक्टर वो आपको दे रखा था, वो दे रखा था, देखो यहाँ डीएल ना दे करके डेल्टा दे रखा, तो डेल्टा ही ले लो यार, डेल्टा एल जो दे रखा है वो दे रखा है डेल्टा एक्स लेकिन आई की फॉर्म में, और आर जो है वो आर किस तरफ है, आर जो है वो जे की तरफ है, तो आप इसको लिखोगे आर क्रॉस जे। तो जो स्केलर है उनको बाहर ले लो, लेकिन जो अंदर बचा वो बचा आई क्रॉस जे। अब मुझे बताओ जब मैं आई का देखो है ना डी एल क्रॉस आई, तो आई का जब मैं जे के साथ करूँगा, तो आई का जब मैं जे के साथ करूँगा क्रॉस, तो मुझे के मिलेगा। आई का जब जे के साथ क्रॉस करूँगा तो मुझे के मिलेगा, आई का जब जे के साथ क्रॉस करूँगा तो थंब बताएगा डायरेक्शन, मतलब मुझे के मिलेगा। अगर किसी की फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको ऐसे पता आई जे के साइक्लिक मोड में, अगर आई की जे से करेंगे तो के मिलेगा, जे की जब के से करेंगे तो आपको जो बचा हुआ है वो आई मिलेगा, और जब के की आई से करेंगे तो आपको बचा हुआ जो है जे वो मिलेगा। तो कुछ इस तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो आई की जे के साथ है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई की जे के साथ है तो आपको क्या मिलने वाला है, डायरेक्शन क्या मिलेगी आपको, के की तरफ को। तो जो डायरेक्शन आ गई वो आपकी किधर को आ गई, के की तरफ को आ गई डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकता हूँ एक लाइन में, डीबी इज एलोंग, डीबी की जो डायरेक्शन है डीबी वेक्टर या फिर डीबी की जो डायरेक्शन है इज एलोंग किधर को है, के का मतलब क्या है आई जे के, के का मतलब क्या है जेड एक्सिस, के का मतलब क्या है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस की तरफ को है डीबी इज एलोंग के, या फिर आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं एलोंग जेड एक्सिस। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव जेड एक्सिस दिखा दो, पॉजिटिव बोल दो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख लिया कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो अपने आप ही आया है हमारा, पॉजिटिव तो अपने आप ही आया है, क्योंकि आई भी प्लस का है जे भी प्लस का, तो आई क्रॉस जे करोगे तो 100% आपका के आएगा, मतलब ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया। तो टॉपिक नंबर वन जो दे रखा था एसएल के अंदर वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब टॉपिक नंबर टू के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोग इसी तरीके सपोर्ट करिएगा, मैं आपको उम्मीद करता हूँ और दिलासा भी देता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।